छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांधी मैदान ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी पद यात्रा के समापन के दौरान संबोधित करते हैं। वहां इस गांधी विचार यात्रा का समापन हुआ है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरे पदयात्रियों को, आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मंच में उपस्थित आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय चंदन यादव जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, सभी विधायक और सांसदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिन नामों को मोहन मरकाम जी ने लिया उसे मैं दोहराता हूं और समय बचाते हुए सबको नमन करता हूं। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सभी हमारे संगठन के साथीगण, उपस्थित हमारे नन्हे गांधी भी मंच में विराजे हैं, सभी पत्रकार साथियों, उपस्थित देवियों सज्जनों, समय काफी हो चुका है। सुबह से पदयात्रा में आप शामिल हैं, भीगते हुए भी पदयात्रा आपने जारी रखा। मौसम से बिल्कुल नहीं डरे और बरसते पानी में भी पदयात्रा आपने की। अब पता ही नहीं चला कि ये कपड़ा पानी से भींगा है कि पसीने से भींगा है। मैं आप सबको गांधी के रास्ते पे दो कदम चलने के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। गांधी जी 150वीं वर्षगांठ और इस वर्षगांठ को याद करने के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया में गांधी को याद किया जा रहा है। गांधी को याद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को आजाद कराया, उन्होंने तो भारत को आजाद कराया ही, लेकिन जो रास्ता अपनाया वो उसके पहले किसी ने नहीं अपनाया था। आज तक के जितनी भी क्रांतियां हुई वो हिंसक क्रांति थी, लेकिन महात्मा गांधी की जो क्रांति है वो अहिंसक क्रांति था। लोग मजाक उड़ाते थे, कहीं दुनिया में अहिंसक क्रांति हुई है? दुनिया के लोग आलोचना करते थे। जब अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया तब लोग कहते थे कि गांधी और उसके अनुयायियों के पास कोई तोप नहीं, बंदूक नहीं, गोले नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, इसलिए तात्कालिक रूप से अहिंसा का रास्ता अपनाया है। लेकिन वो गांधी की दृष्टि थी जो अहिंसा की ताकत को पहचानता था, और यही कारण है कि उन्होंने अहिंसा का दामन कभी नहीं छोड़ा। चाहे चौरा चौरी की घटना हो, उन्होंने एक साल तक के आंदोलन को स्थगित कर दिया। अहिंसा पे अटूट विश्वास। और अहिंसा क्या ये महात्मा गांधी की खोज है? नहीं, ये अहिंसा इसके पहले बुद्ध ने अपनाया था, इसके पहले महावीर ने अपनाया था, इसके पहले उपनिषदों में इसका उल्लेख है। तो अहिंसा भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति में है अहिंसा। लेकिन बुद्ध के अहिंसा में बुद्ध ने स्वयं के लिए अपनाया, अपने अनुयायियों के कहा कि अहिंसा के रास्ते पे चलो, वो व्यक्ति के लिए अहिंसा था। लेकिन गांधी के अहिंसा व्यक्ति के लिए नहीं, समष्टि के लिए था, आम जनता के लिए अहिंसा का रास्ता था। और यही अहिंसा का अस्त्र बना के अंग्रेजों के तोप और गोलों के सामने उन्होंने अहिंसा को खड़ा कर दिया। ये गांधी थे जिन्हें पशु बल के सामने आत्मबल को उन्होंने खड़ा किया, और यही आत्मबल गांधी जी को आप सब जानते हैं, वो बहुत दुबले पतले थे, जब उनको गोली लगी तो गोली आर पार हो गया था, लेकिन उनकी आत्मशक्ति, अहिंसा और सत्य पर विश्वास, लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी थी। और गांधी ने जो प्रतीक अपनाया वो राम था।
गांधी ने जो प्रतीक अपनाया वो गाय थी, गांधी ने जो प्रतीक अपनाया था वो तिरंगा झंडा था। और गांधी ने एक गंभीर राष्ट्रवाद की बात कही, वो राष्ट्रवाद जिसके एक लंबी पृष्ठभूमि जो महावीर बुद्ध राजा राम मोहन राय रामकृष्ण विवेकानंद से लेकर गांधी तक आती है। दक्षिण में भी अब परंपरा का संगम साहित्य से लेकर तिरुवल्लुरु वासवराज होते हुए सुब्रमण्यम भारती तक आती है। ये पूरी विचारधारा एक गंभीर विमर्श को, एक चिंतन को जन्म देती है जिसमें सभी अच्छों को अच्छाइयों के अपनाने की प्रेरणा देती है। इनके राष्ट्रवाद में कबीर है, रसखान है, दादू है, तुलसी है, मीरा है, रैदास है, गुरु घासीदास है, फरीद है, बुल्ले शाह है, जो कहते हैं कि तुम मुक्त हो क्योंकि ईश्वर मुक्त है। ये संदेश कि गांधी ने जो सत्य स्थापित हमारे महापुरुषों ने किया उसे अंगीकार करने का काम यदि किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया। ये हमारा राष्ट्रवाद है, ये गंभीर राष्ट्रवाद है जिससे चलते हुए देश की आजादी दिलाई। और यही राष्ट्रवाद है जो किसानों के संघर्ष में साथ दिया महात्मा गांधी ने। ये वही राष्ट्रवाद है जिसमें बुनकरों को सम्मान दिलाने का काम चरखा चला के महात्मा गांधी ने किया। ये वही राष्ट्रवाद है जिसमें नारी की शिक्षा और समानता का अधिकार देती है। ये वही राष्ट्रवाद है जिसमें सर में मैला ढोके उन भंगियों को सम्मान देने का काम कर महात्मा गांधी ने किया। ये वही राष्ट्रवाद है जिन्होंने चप्पल बनाकर, जिन्होंने मरे हुए जानवरों को खाल निकालकर गांधी खुद अपने हाथ से करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और उन्होंने कहा कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं वो घृणा के पात्र नहीं, वो भी सम्मान के पात्र हैं। और उस सबको जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया। ये गांधी का राष्ट्रवाद। आदरणीय साथियों, और यही जो विचारधारा को लेके चले गांधी के रूप में प्रतिध्वनित हुआ। और गांधी ने कहा हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। 1942 में उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्होंने कहा करो या मरो, अंग्रेज को भागना पड़ा। आदरणीय साथियों, भारत के जनतंत्र में धर्म का आवरण भी है। साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी गई और जीते भी। इसमें धार्मिकता में भी स्वतंत्रता है। हमारे नेताओं ने राम को जन जन का राम बना दिया। उनका जन्म, राम का जन्म आम जनता के हृदय में होता है। वो जन के राम है। कबीर ने राम को मंदिर से मुक्त किया और घट घट का वासी बनाया। तुलसी ने राम को अवध से मुक्त किया, वैश्विक बनाया, वही अवध जहां राम निवासा। राम कहां है, अवध कहां है, जहां राम निवास करता है। और अवध क्या है, अवध जहां किसी का वध न हो, जहां हिंसा न हो, वो अवध है। अयोध्या के कण कण में राम है, सरयू के लहरों में राम है, हमारे छत्तीसगढ़ के हर गलियों में राम है। आदरणीय साथियों,
गांधी ने राम को पुरोहितों से, कर्मकांड से मुक्त किया, पाखंड से मुक्त किया। गांधी के राम, सबरी के प्रार्थना में राम, पतित पावन है, उनके हृदय स्थल में रहते हैं, वहीं उनका जन्म होता है। गांधी ने सत्य का स्वावलंबन, सत्य स्वावलंबन और करुणा से ओतप्रोत या नया धर्म, जिसमें हमारी संस्कृति को नया जोश, नया ताकत दे दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं, हमने साम्राज्यवाद को भगा दिया, लेकिन पूंजीवाद, ये पूंजीवाद नए रूप में आ रहा है। पूंजीवाद में पैसे पैसे को कमाता है, पैसे कमाने के लिए आदमी की जरूरत नहीं है, इंसान की जरूरत नहीं है, श्रम की जरूरत नहीं है। स्टॉक में पैसा डाल दीजिए, पैसे पैसे को कमाता है, वहां किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है। नव पूंजीवाद काला धन भी रखता है, उसे मनुष्य और राष्ट्र दोनों बोझ है। नस्ली उच्चता पर खड़े कुछ संगठनों के भी यही विचार है, उन्हें अपने भक्त भीड़ के शक्ल में चाहिए, उनको भक्त भीड़ के शक्ल में चाहिए, उसे विचारवान मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है। विचारवान मनुष्य सवाल खड़ा करते हैं, और इनसे सवाल पूछो करते हैं, राष्ट्रद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते हैं। सवाल आपको मुक्त करता है, सवाल आपको आगे बढ़ाता है, एक नई चेतना से भर देता है सवाल। और इसलिए इन्हें सवाल करने वाले नहीं, बल्कि इनको भीड़ चाहिए। इसलिए नए पूंजीवाद ने काले धन के उन्मादी धर्म धार्मिकता में जमकर इन्वेस्टमेंट किया और इसे बड़ी दुकान में बदल दिया है। कर्मकांडों और चमकीले हाईटेक आयोजन में बदल दिया गया है। काले धन, सांप्रदायिकता और इस उत्तेजक राष्ट्रवाद के गठजोड़ को समझना होगा। यह गरीब और मेहनत कश लोगों के वर्षों से चली आ रही आस्थाओं का अपहरण करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इस गठजोड़ के चेहरे से धार्मिकता के नकाब को नोच कर उनके हिंसक चेहरे को सामने लाने की आवश्यकता है। यह हिंसक चेहरा काले धन के मदद से संस्कृति के आड़ में समाज के संगठक शक्ति बनने का प्रयास कर रही है। इसे गांधी के 150वीं जयंती पर विचार यात्रा में समझना जरूरी है। वर्षों से ऋषि परंपराओं के चिंतन से हमारा धर्म संस्कारित हुआ है, निडर हुआ है, आजाद हुआ है। आदरणीय साथियों, ये ऐसा धर्म जो कभी नहीं हारता। हम कृष्ण को पूजें, हम राम को पूजें, हम मंदिर जाएं, हम घर में रहें या कुछ भी न करें, तब भी हम हिंदू हो सकते हैं। हम राम को माने, हम कृष्ण को माने, हम बुद्ध को माने, हम कबीर को माने, हम गुरु घासीदास को माने, हम संत महात्माओं को माने, हम विष्णु को माने, ब्रह्मा को माने, जिस किसी भी माने, मंदिर जाए, घर में रहे, ना भी कुछ करें, तब भी हम हिंदू हो सकते हैं। जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो आस्तिक है ये हिंदू है। ये इतना विस्तार हमारे समाज में हमारे संत महात्माओं ने दिया है। हमारी धार्मिकता ऐसी आजादी और निडरता देती है, हम माने न माने। ये निडरता केवल हमारा